नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चापुरा शार्ट एंड डॉट्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, डायगनल पैटर्न को ही आगे बढ़ाते हुए आज भी मैं आप लोगों के लिए डायगनल पैटर्न ही लेके आई हूँ। पिछले एपिसोड में हमने कपड़े को डायगनली रोल करके इनरेगुलर टाई किया था, उससे उसमें एक्स्ट्रैक्ट प्रिंट बना। आज हम कपड़े में डायगनली बीट्स डालेंगे और फिर उसको रेगुलर डिस्टेंस पे टाई करेंगे, जिससे उसमें लहरिया बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। दोस्तों, पहले मैंने आपको प्लीटेड पैटर्न सिखाया था जिसमें हमने इसको इस तरह फोल्ड किया था। आज हम इसे डायगनली फोल्ड करेंगे। डायगनली फोल्ड करने से इसमें डायगनली स्ट्राइप्स बनेंगी। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद इसमें और फोल्ड का मार्क कर लेंगे। पहले दोनों साइड हम इसको फोल्ड करके मार्क बना लेंगे जिससे लाइन टेढ़ी ना हो। अब ये जो सेंटर वाली लाइन है, बिल्कुल इसको फॉलो करते हुए इसको हम यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे, फिर इसको एक बार और फोल्ड करेंगे और फिर एक बार और फोल्ड कर लेंगे। ये जो लाइन आ रही है, ये पॉइंट बिल्कुल उस लाइन पे ही रहना चाहिए। ये हमने मार्क बना लिए, अब हम इसको इस तरह फोल्ड करते जाएंगे। और अभी भी आप ध्यान रखें कि ये फोल्ड टेढ़े ना हो। ये देखिए, अब इसी तरह हम इसे दूसरी साइड से भी फोल्ड कर लेंगे। देखिए, अब हमें इसमें जिस डिस्टेंस पे वाइट पोर्शन छोड़ना है उतनी दूर दूर इसको टाई कर लेंगे। एक तो हम सेंटर में करेंगे जिससे ये खुले ना, और उसके बाद आप चाहें तो इन फोल्ड्स पे से फोल्ड कर सकते हैं। ये आपको ज्यादा पास लगे तो आप यहाँ के बाद यहाँ और फिर यहाँ फोल्ड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ के बाद यहाँ और फिर यहाँ फोल्ड कर लेंगे। बाकी पोर्शन में दूसरा कलर आ जाएगा जिस कलर में हम इसको टाई करना चाह रहे हैं। आप चाहें तो इसको अच्छी तरह आयरन से भी दबा सकते हैं और या हाथ से ही प्रेस कर लें। अब हम इसको यहाँ से टाई करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका सेंटर फिक्स करेंगे, और जैसा मैंने आपको बताया कि इसको जब हम टाई करेंगे तो ये ऐसे रोल नहीं होना चाहिए, बल्कि आप इस तरह इसको पकड़ें कि इसमें चुन्नटें या प्लीट्स की तरह ये आ जाए, जिससे ये एक सा डाई हो। ये इसका सेंटर है। अब सेंटर से थोड़ा इधर और थोड़ा इधर दोनों साइड टाई कर लेंगे। इसमें हम व्हाइट पोर्शन बहुत ज्यादा नहीं छोड़ना चाह रहे, क्योंकि व्हाइट की पतली पतली लाइंस इसमें बन जाए ऐसा पैटर्न चाह रहे हैं। चौड़ी लाइन का तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ, हमने स्ट्रेट वाले में चौड़ी लाइन बनाई थी, इसमें हम पतली लाइंस बना रहे हैं। बस बंधना टाइट चाहिए जिससे अंदर कलर ना पहुंच सके। अब सेकंड मैं अभी थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के लूंगी। जितना चौड़ा हमने ये बांधा है उतना ही चौड़ा इधर से बांध लेंगे। अब फिर ये छोड़ के ये वाली लाइन पे से बांध लेंगे, और फिर यहाँ भी, इसके बाद यहाँ और फिर यहाँ से बांध लेंगे। और मैं एक चीज बार बार आपसे बोलती हूँ कि ये हम फ्री हैंड बना रहे हैं, इररेगुलरिटी या थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट वर्क ही इसकी ब्यूटी है। अब हम इसको डाई करेंगे। आप सिंगल कलर में डाई करना चाहते हैं तो आप किसी डार्क कलर में भी कर सकते हैं, और यदि आप डबल कलर में बनाना चाहते हैं तो पहले लाइट वाले में डाई करें उसके बाद डार्क वाले में। देखिए दोस्तों, एक कंटेनर में मैंने 1/2 लीटर पानी चढ़ा दिया है, इसको हम बॉईल करने रख देंगे। इस कपड़े को हम पानी में डाल के सोक करेंगे और कलर को 1/3 टीस्पून पानी में अलग से घोल के छान के इसमें मिलाएंगे।
दोस्तों अभी मैं इसमें 1/3 टीस्पून कलर ले रही हूँ, बल्कि उससे भी और थोड़ा कम कलर लूंगी। ये कलर इस कपड़े के हिसाब से काफी ज्यादा है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यदि हम कलर की क्वांटिटी ज्यादा लेते हैं तो हमारा शेड भी फर्क हो जाता है। मतलब इसमें ऑरेंज की जगह आप देखिएगा थोड़ा रेडिश टोन आ जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से घोल लेंगे। इसमें इस तरह के गुठले नहीं पड़ने चाहिए, पूरी तरह ये डिसॉल्व हो जाना चाहिए। आप चाहें तो ऐसे पानी में घोलने की बजाय इसकी कपड़े की एक पोटली बना लें, उसमें ये कलर डाल के और उस पोटली को डायरेक्ट इसमें डाल सकते हैं। उससे धीरे धीरे करके ये कलर इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। अब इसको छान के इसमें मिला लेंगे। देखिए ये काफी नीचे भी जमा रह जाता है, तो ये जमा नहीं रहना चाहिए, सारा डिसॉल्व होके इसमें मिक्स हो जाए। और जैसा कि मैं हर बार आपको बताती हूँ कि कलर आपको थोड़ा लाइट चाहिए या डार्क चाहिए, उस हिसाब से कलर की क्वांटिटी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। अब ये जो कपड़ा है इसको निचोड़ के इसमें डाल देंगे। ये देखिए कितना सुंदर कलर आ गया इसमें। इसको कम से कम हम 10 मिनट तक बॉईल करेंगे, उसके बाद इसमें कॉमन सॉल्ट मिलाएंगे और 10 मिनट तक बीच बीच में आप इसको पलटते रहें जिससे चारों तरफ एक सा कलर आए। देखिए ये 10 मिनट तक बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें कॉमन सॉल्ट मिलाएंगे और फिर इसको 5-10 मिनट दोबारा बॉईल करेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि कलर की क्वांटिटी कपड़े के हिसाब से थोड़ी ज्यादा है, उस वजह से कपड़ा ऑरेंज कलर का ना होके बल्कि रेड कलर का हो गया है। हर कलर की इंटेंसिटी अलग अलग होती है, इसलिए पहले आपको सैंपल बना के देखना बहुत जरूरी है कि किस कलर का क्या इफेक्ट आएगा। देखिए ये 5 मिनट तक बॉईल हो चुका है अच्छी तरह, अब हम इसको निकाल के वॉश करेंगे। ये क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा होते ही कपड़े का शेड फर्क हो जाता है। देखिए ये है ऑरेंज, पानी में जब ये थोड़ा डाइल्यूट हुआ तो ऑरेंज है, लेकिन हमको ये 1/3 टीस्पून से और कम लेना चाहिए था, तभी इसका परफेक्ट ऑरेंज कलर आता। देखिए इसका कलर एकदम ऑरेंज है। अच्छे से इसको रगड़ लें जो ओपन एरिया है, जिससे एक्स्ट्रा कलर पूरी तरह निकल जाए। एक्स्ट्रा कलर बचेगा तो वो फिर हर वॉश में निकलता रहेगा। देखिए ये पानी एकदम क्लियर हो चुका है, बिल्कुल भी इसमें से अब कलर नहीं निकल रहा। देखिए अब इसमें से बिल्कुल कलर नहीं निकल रहा, अब हम इसको अच्छी तरह ड्राई होने देंगे। देखिए ये डायगनली प्लीटेड पूरी तरह सूख चुका है, अब हम इसको खोलेंगे। ये मैंने सिंगल कलर में बनाया है, अगर आप डबल कलर में बनाना चाहें तो बीच में से एक बार और टाई करके दोबारा इसको डाई कर सकते हैं।
देखिए ये डायगनली लहरिया पैटर्न बन गया। इसको भी जब हम आयरन कर लेंगे तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। देखिए दोस्तों, आयरन करते ही जब ये प्लेन हो गया तो ये लहरिया पैटर्न कितना खूबसूरत लग रहा है। बंदेज का लहरिया वैसे भी बहुत फेमस है। दोस्तों यदि आप मेरी टाई डाई की सीरीज पूरी लगातार देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कपड़े को फोल्ड करने और उसको टाई करने के मेथड से ही उसके लुक में और प्रिंट में कितना अंतर आ जाता है। पिछले एपिसोड में हमने कपड़े को डायगनल रोल करके इरेगुलर टाई किया था उसका लुक, और आज का जो हमने प्रिंट किया है उसके लुक में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो आप इसी तरह इस सीरीज को पूरा देखते रहिए और हर मेथड को सीखते रहिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पैटर्न के साथ। तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आप बेल के बटन को क्लिक करेंगे तो मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिलेगा। और वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें और फॉलो भी करें। नमस्ते, बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।